वहीं दूसरी ओर पानीपत पुलिस ने एक ऐसे गैंग के दो बदमाशों को पकड़ा है जो कई महीनों से अलग अलग शहरों में रात को कार के चारों टायर चोरी कर लेते और मिनटों में गायब हो जाते थे। CIA 3 के हत्थे चढ़ा गिरोह का एक युवक करनाल और दूसरा सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है। इन्होंने पानीपत, कुरुक्षेत्र और रोहतक में ऐसी 6 वारदात करना कबूल किया है। आपने कई बार सुना होगा कि काम से लौटकर अपने घर देर शाम या रात को आए किसी व्यक्ति की कार से सुबह चारों टायर चोरी मिले। पानीपत, रोहतक और कुरुक्षेत्र में ऐसी कई वारदात हुई हैं। पानीपत के संबंधित थानों ने जब इस छोटी सी घटना की तरफ ध्यान नहीं दिया तो SP लोकेंद्र सिंह ने मामला संज्ञान में आने पर CIA 3 को इस गैंग को पकड़ने के आदेश दिए। चूंकि SP के आदेश थे सो CIA 3 ने गैंग के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। DSP ने ये खुलासा किया। एक ही तरह की वारदात हमारे शहर में हो रही थी जो काफी लोग शहर के परेशान थे इस चीज से कि वो क्या करते थे कि शाम को बंदा गाड़ी खड़ी की है गली में या घर के बाहर, उसने गाड़ी खड़ी की है तो सुबह उसके टायर नहीं मिलते थे। तो एक ऐसा गैंग एक्टिव था तो हमारे लोकल थाने की जो पुलिस थी वो इतना इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो और जब ये मामला SP साहब के संज्ञान में आया तो तुरंत उन्होंने हमारी CIA 1 को डेप्यूट किया इस कार्य के लिए, उसमें इनकी टीम को इंक्लूड किया CIA 3 की टीम को। गौरतलब है कि पानीपत में तो ऐसी पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। चूंकि मामला ज्यादा बड़ा ना होने के कारण चोरी वाली कॉलोनी में चर्चा तो होती, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज होती, पर पुलिस ज्यादा मशक्कत नहीं करती थी। इसीलिए 4 महीने तक ये गैंग अलग अलग शहरों में इस तरह की चोरियां करता रहा। इस गैंग में 2 लड़के हैं, एक अनिल नाम का लड़का बला गांव और जिला करनाल का रहने वाला है, एक सचिन नाम का लड़का है वो बुटाना जिला सोनीपत का रहने वाला है। तो इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये इसी प्रकार की वारदात कर रहे थे पिछले 4 महीने से और 6 वारदात इन्होंने पानीपत में की हैं और 2 रोहतक में और कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने 2 वारदात की, 1 रोहतक में वारदात की है इस तरह की, और कार चोरी भी इन्होंने कुरुक्षेत्र से की है। तो अभी इनको गिरफ्तार करके हम पूछताछ कर रहे हैं। और ये क्या करते थे कि इन्होंने एक गोदाम घरोंडा में बनाया हुआ था और ये स्टिपनी उतार के टायर उतार के लेके उसमें रख लेते थे और पुरानी गाड़ियां खरीद के टायर उनमें लगा के उनको आगे महंगे रेट में बेचते थे। चलिए, पानीपत CIA 3 ने ये केस सुलझा लिया, बधाई। पर शहर के सेक्टर 13-17 में 4 साल पहले 1-1.5 महीने के अंदर ही 1 दर्जन के करीब फॉर्चूनर और इनोवा गाड़ियां चोरी हुई थी। एक कैनाल के मकान नंबर 554 में तो ऊपर नीचे वाले 2 परिवारों की इनोवा चोरी हुई। पीड़ित बताते हैं कि बाद में आधा अधूरा क्लेम तो मिल गया पर गाड़ियों का पता आज तक नहीं लगा। ओवर टू SP साहेब। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।